आइए रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला कारागार में आईपीएल मैच देखने को लेकर किशोर बैरक में बंद दो बंदियों के बीच झगड़ा हो गया, जहां एक बंदी ने दूसरे को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इस मारपीट में आंख में चोट लगने के बाद घायल बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं जेलर ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए। जी हां, आपको बता दें, महोबा जिला कारागार प्रभारी जेलर ने बताया कि किशोर बैरक में बंद दो बंदियों के बीच झगड़ा हुआ। बंदियों में टीवी पर आईपीएल मैच देखने को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें चोरी के आरोप में जेल में करीब एक साल से बंद दीपक की आंख में चोट आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी बंदी चैचंद पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं महोबा जिला कारागार में तैनात भोला नाथ मिश्रा ने बताया कि जेल में बंद कैदियों के मनोरंजन के लिए टीवी लगवाई गई है। वहीं आईपीएल मैच को सभी बंदी बैठकर देख रहे थे, इसी दौरान किशोर बैरक में बंदी दीपक और जयचंद में झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले की सूचना ड्यूटी में तैनात बंदी रचकों ने जेलर को दी और दोनों को छुड़वाया गया। जी बता दें, जयचंद के हमले में दीपक की आंख में गहरी चोट लगी है, जबकि दूसरे बंदी का जेल में ही उपचार किया जा रहा है। वहीं महोबा जिला अस्पताल में दीपक की हालत स्थिर बनी हुई है। आने वाले समय में इस तरह के विवाद उत्पन्न ना हो, उसकी देखरेख बड़े स्तर की जाएगी।